मंदिर में एक से एक प्राचीन सभ्यता वाले यहाँ पर खुदाई। बनावट से आपको पता चलता है कि कितना ही पुराना होगा। आप जो देख रहे हैं ये पूरी नक्काशी कई हजारों साल पुरानी है। So, hey guys, this is Akash, बोले तो झकास, boom, कैसे हैं आप सभी? तो यार फटाफट तैयार होते हैं और आज के ब्लॉग में हम अपने गांव लेके जाएंगे और गांव में जो एक बहुत ही प्यारा मंदिर है ना, बहुत ही प्यारा मंदिर है, तो वहां आपको मैं घुमाने लेके जाने वाला हूं। तो इससे पहले वाले जो ब्लॉग थे जो परांगर में जो बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आए हैं वो वाले ब्लॉग्स नहीं देखे ना, ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हैं। पर इसके ब्लॉग देखने के बाद ये देखो, ये कुछ इस तरीके से होता है, आराम से चित्त होकर सो जाता है और इसको सुलाते यहाँ पर है। और वो देखो वो पूरे में फैल के सोता है, मेरे को किनारे छोड़ देता है बिल्कुल। वो इसमें चलना है कि इसमें चलना है? इसमें चलना है। चलो ठीक है, इसमें चलते हैं। एक्चुअली क्या है ना भाई, मम्मी ना उस वाली में बैठना पसंद नहीं करती, इस वाली गाड़ी में ज़्यादा बैठना पसंद करती, क्योंकि इसमें अच्छे से बैठते बन जाता है। तो मोटर ब्लॉगिंग करने में ना मज़ा जो आता है ना भाई, वो अपनी रामप्यारी, बड़ी रामप्यारी में आता है। तो एक्चुअली क्या है ना भाई, आज भी हम जाने वाले थे पनांगर, और पनांगर में आज आने वाले हैं भाई वो अनूप जलोटा है ना, जो बिग बॉस में आए थे, और ऐसी लागी लगन पिया हो गई मगन में तो गली 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 मुस्कुराने लगी, ये वाला जो उन्होंने भजन गाया ना, तो वही अनूप जलोटा, और वो आने वाले हैं और बिग बॉस में गए थे वो। और फिलहाल तो अभी ऐसा नहीं कि अभी फटाफट अभी चलते हैं गाँव, और गाँव में एक इतना शानदार मंदिर है ना भाई, गजब का मंदिर है और उसकी मान्यता ही अलग है यार। तो हम लोग आज वहाँ पर लेके चलते हैं आप। तो गाइस ये आ गए हैं अमजर घाटी, और ये घाटी जब हम लोग बचपन में जब गांव जाते थे ना, पापा हम लोग लेके जाते थे, तकरीबन वही 10 साल के थे, तो ये जो घाटी है ना भाई, इसमें इतना डर लगा करता था, बहुत ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि इस तरीके से जो घाटी है ना, ये सबसे ज़्यादा ना रात को सबसे ज़्यादा डरावनी लगती है। घर से बस 20 किलोमीटर निकले ही थे और मम्मी को बहुत तेज़ आने लगी नींद, और 2-3 बार ना झोंके आए बहुत गंदी मम्मी को। तो अभी ऐसा है ना कि भाई अभी ना यहाँ पर ना स्पेशल चाय पीने के लिए रुक गए और चाय पीते हैं, फटाफट निकलते हैं गाँव। तो भाई नींद ना मम्मी बस को नहीं आ रही थी, नींद तो मुझे भी आ रही थी यार, बहुत तेज़ नींद आ रही थी। और हम लोग को प्लान था कि जल्दी निकल जाएंगे, 6-7 बजे तक हम लोग ना गाँव के लिए निकल जाएंगे, परंतु भाई कल रात को 2 बजे या 3 बजे तो मैं घर ही आया था। उसके बाद मैं एडिटिंग किया, एडिटिंग करने के बाद वीडियो को अपलोड किया, अपलोड करने के बाद मैं निकले हैं भाई। तो लो 1 घंटे का सफ़र तय करने के बाद आगे पहुंच गए सिलौंडी। तो अभी चलते हैं वीरासनी देवी माता जी, और यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर है और बहुत ही प्यारा मंदिर बनाया गया है, और उस जो माता जी है ना, माता जी की अलग ही एक गाथा है। तो देखो भाई, एक समय था कि यहाँ से ना एक बार में एक ही गाड़ी निकलती थी और इतनी चौड़ी नहीं थी रास्ता, और लगभग 1 साल से ये काम चल रहा था। और देख आजू बाजू भाई, ये मतलब कि अतिक्रमण हटाया गया है और चौड़ी भी हो गई रास्ता, क्योंकि ना देखो क्या हो ना, यहाँ से ना आने जाने में काफ़ी तकलीफ होती थी, और मुख्य द्वार है ये वीरासनी देवी जाने के लिए। एंड भाई यहाँ पे देखो मौसी और सागर दोनों चल रहे हैं, तो मौसी और सागर को दोनों को ले लिए हैं, तो वो भी साथ में जा रहे हैं वीरासनी देवी के दर्शन करने के लिए। तो अभी हम लोग आ चुके हैं वीरासनी देवी मंदिर, और भाई मम्मी की इच्छा थी वीरासनी देवी घूमने की, और हमारी जो सबसे ज़्यादा थी कि भाई हमको घूमना था, और साथ में ना मौसी भी आई है और साथ में सागर भी आया है। तो अभी चलते हैं दरबार घूमने के लिए, और आप लोग भी दरबार में घुमाते हैं और पता करते हैं कि भाई इस मंदिर की खास बात और क्या है। मम्मी लोग भी बेहतरीन यहाँ पर बैठी हुई हैं। मम्मी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वो भी पूरी मंडली ले आते हैं अपनी भजन मंडली, मौसी भी अपनी भजन मंडली ले आती है, मम्मी ले आते, पूरी मंडली लेके आ जाती तो मजा आता।
भाई अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और भाई जंगल के बीचों बीच में है और बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर ना प्राचीन प्राचीन यहाँ पर एक से एक यहाँ पर मतलब कि ऐतिहासिक प्लेस भी तो है यहाँ साथ में, और यहाँ पर ना प्राचीन सभ्यता वाले यहाँ पर खुदाई हुए, तो यहाँ एक से एक मतलब शिलाएँ निकली हुई हैं, तो अब वहाँ भी हम आपको लेके चलेंगे अभी। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं विराशनी देवी मंदिर, जो कि सिलौंडी ग्राम से महज से कितने 7 से 8 किलोमीटर दूरी में पड़ता है। मैं बात करूँ इस मंदिर की, तो मंदिर में एक से एक प्राचीन सभ्यता वाले यहाँ पर खुदाई की गई है, तो यहाँ पर मूर्तियाँ निकली हैं, पत्थर निकले हैं, और यहाँ से कुछ ही दूर में मतलब कि 200-300 मीटर की दूरी में आपको यहाँ पर बहुत ही बड़ा कुआं मिला है, जो कि कुछ सालों पहले खुदाई के दौरान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर विराशनी देवी मंदिर की बात करूँ, तो विराशनी देवी मंदिर एक प्रकार से यहाँ पर जो मूर्ति है धरती से प्रकट हुई हैं, ये भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ उस जगह पर जहाँ पर खुदाई के दौरान ना आपको यहाँ पर कुआं मिला था। तो चलिए तो आप सामने जो देख रहे हैं, सामने वाला एरिया विराशनी देवी मंदिर है, और यहाँ से ठीक जब सामने से यहाँ से ऐसा आते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से एरिया है, और यहाँ पर गेट है, पर गेट से बाजू से होते हुए यहाँ पर लेके जा रहा है हमें सागर। तो यहाँ पर ना ऐसा कुआं मिला है जहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति प्राप्त हुई है उसी जगह से, और बहुत ही पुराना प्राचीन है ऐसा भी कहा गया है। और यहाँ पर जब खुदाई हुई थी ना, तो खुदाई के बाद यहाँ पर आज तक वाले भी आए हुए थे और कुछ रिसर्चर्स भी आए हुए थे, तो उन्होंने ही बताया कि ये बहुत सालों पुराना कुआं है जो यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ है। तो मैं आपको उसी जगह पर लेके आता हूँ, हम कुएँ के पास पहुँच गए हैं। आपको वीडियो यदि मेरी पसंद आती हो ना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही अच्छे अच्छे ऐतिहासिक प्लेस में आपको लेके जाने वाला हूँ। तो हम लोग पहुँच गए हैं इस कुएँ में, और ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पुराना है, परंतु यहाँ की जो मिट्टी है, मिट्टी पूरी तरीके से धस गई है। और जब हम पत्थर की बात करें तो ये कुआँ जो है बहुत ही गहरा है, परंतु ये जो आप जो देख रहे हैं ये मिट्टी धसने के कारण यहाँ पर पुर गया है। और ये जो पत्थर देख रहे हैं, बनावट देख रहे हैं आप, ये बनावट से आपको पता चलता है कि कितना ही पुराना होगा। सर कब मिला था ये, मतलब कि खुदाई कब हुई थी? खुदाई पता ही नहीं, मतलब कि हम लोग हुए हाँ, हम लोग के दादा परदादा बताते रहे हाँ, कि ये कुआं है यहाँ पर, है, और यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति निकली। अच्छा अच्छा हाँ, तभी से तो ये कई साल से खुदा हुआ है। अच्छा हाँ, खुदाई में ये प्राप्त हुआ था ना, हुआ था। तो यहीं से मतलब कि हनुमान जी मतलब पहलवान हाँ, बब्बा जी की यहीं से मूर्ति मिली थी। तो आपने देखा ये बहुत ही पुराना और बहुत ही प्राचीन कुआं है। तो अब मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह लेके जाने वाला हूँ जिस जगह पर ना बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं, बहुत सारे पत्थर मिले हैं। तो चलिए लेके चलते हैं सागर, आज जब मतलब कि सागर है ना, तो आज मुझे वो पूरा और आप लोगों को पूरा घुमाएगा। तो आप जो पीछे देख रहे हैं ये विराशनी देवी का मुख्य द्वार है, और इसी द्वार से होते हुए विराशनी देवी जी का आप आशीर्वाद लेते हैं। और हम लोग उस जगह पर जा रहे हैं जिस जगह पर बहुत ही शानदार नक्काशी वाले पत्थर मिले हैं, प्राचीन पत्थर मिले हैं। मेन द्वार है विराशनी देवी का, और यहाँ से जाते हैं विराशनी देवी। तो यहाँ से आप चलते हैं हम आपको उस जगह पर लेके जहाँ पर प्राचीन नक्काशी वाले पत्थर मिले हैं, साथ में वहाँ पर बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्तियाँ निकली हैं। तो चलिए मैं आपको उस जगह पर लेके चलता हूँ। कहा जाता है कि इस जगह पर बहुत सालों पहले एक विशाल किला हुआ करता था, और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो एक गढ़ बना हुआ है, पूरा राजा रजवाड़ों का पूरा गढ़ रहा, और इसी दौरान एक ऐसी आपदा आई, आपदा के कारण यहाँ पर जितने भी फॉल्ट रहे या राजा रजवाड़ों के जितने भी किले रहे वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए थे। तो उस स्थान पर फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। थोड़ा सा सफ़र तय करने के बाद हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जिस जगह पर मिलती है प्राचीन पत्थर नक्काशी वाले, और आइए आपको दिखाते हैं कि इस जगह पर आपको आप देख सकते हैं। तो हालाँकि हमें जूता चप्पल उतारने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर देवी देवताओं का स्थान बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये जो पूरे पत्थर हैं, ये पूरे पत्थर नक्काशी है, नक्काशी के साथ ये पूरी खुदाई की गई, और खुदाई करने के दौरान यहाँ पर ये पूरे पत्थर प्राप्त हुए हैं। आप जो देख रहे हैं ये पूरी नक्काशी कई हजारों साल पुरानी है,
और ये एक पत्थर नहीं, आपको यहाँ पर पूरे के पूरे पत्थर, जितने भी पत्थर हैं पूरे के पत्थर आपको पूरे नक्काशी वाले मिलेंगे, देख सकते हैं। जब कोई मंदिर या कोई महल होता है तो ऊपर का जो गुम्बज होता है, गुम्बज गोलाकार होता है, तो उसी प्रकार गोलाकार एक गुम्बज मिला है। तो आप जो देख रहे हैं, ये जो आप जो देख रहे हैं, ये पूरा गुम्बज है एंड गुम्बज के आकार का बनाया गया है। और यदि कोई सा भी दरवाज़ा होता है, द्वार होता है, द्वार में जो नक्काशी प्राप्त होती है उसी द्वारा आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी ये जो नक्काशी बनाई गई है उसी तरीके से पूरी डिज़ाइन बनाई गई है, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ जहाँ पर देवी देवता और भी मिले हैं। फ्रेंड्स, अभी एक स्थान और पहुंच गए हैं जहां पर बोलते हैं कि माता जी की मूर्ति मिली थी और इस गड्ढे में मिली थी। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। तो पुजारी मिले हैं, पंडित जी मिले हैं और ये बताएंगे कि किस यहां पर क्या प्राचीन, क्या क्या खुदाई में क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो क्या क्या मिला था हमें यहां पर? ये यहां मिला है पूरा, ये दुर्गा जी का पूरा मूर्ति मिला है, मूर्ति अभी एक शिला है यहाँ, सब यहीं पूरे यहीं मरे तो हैं ये जितने हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पूरी यहाँ पर खुदाई कब की गई थी? खुदाई, अरे वो थोड़ा निकाला गया, वो आपसे ऊपर प्रगट हो गया, ये गड्ढे दिख रहा है। अच्छा, बस गड्ढे भर है। तो पूरे यहाँ पर जितने भी ये किले में जिस तरीके से नक्काशी होती है पूरे यहाँ पे प्राप्त हुआ था? पूरे प्राप्त यही हुआ है। अच्छा, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो ये जो आप जो दुर्गा जी की जो देख रहे हैं प्रतिमा और ये मूर्ति देख रहे हैं, तो ये एक प्रकार से ये खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी और खुदाई के दौरान यहाँ से प्राप्त हुआ था। तो यहाँ से मिली थी, इस दौरान से। ये जो पत्थर है, ये सब पत्थर यहाँ है। अच्छा, ये जो पत्थर मिले, ये बने हुए पत्थर जो चीन हमारे जो दिख रहे हैं, ये पत्थर सब यही है। अच्छा, खुदाई करते हैं तो ये मिलते ही आ रहे हैं, निकल जाते हैं। तो ये कितने साल पुराने हो सकते हैं, कुछ अंदाजा? अभी का नहीं। जिस दौरान यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है कि प्राचीन प्राचीन यहाँ पे देवी देवता निकल रहे हैं, तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म कितना बड़ा और कितना विशाल है और कितना प्राचीन है, और जो कि आपको कई हजारों साल पुराने जो यहाँ पर जो शिलाएँ मिल रही हैं आपको, बहुत ही बड़े बड़े रूप में यहाँ पे शिला निकल रही हैं। और ये पूरे जिस एरिया में हम हैं इसी एरिया बस में ये शिलाएँ निकल रही हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब देखने में कि भाई हमारा सनातन धर्म कितना प्राचीन और कितना बड़ा है। यदि आपको ऐसी प्राचीन प्राचीन सभ्यता वाले ऐसी अच्छी अच्छी प्लेस यदि आपको देखना चाहते हो और सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो भाई यदि आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं अच्छे ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री राम।